हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है अपनी और मैं भी बढ़िया हूँ। और आप बता देना कमेंट में कि आप कैसे हो। तो अभी हम नहा धो लें और ब्रेकफास्ट अब करेंगे। तो अब टाइम हो चुका है 10, तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस, फ़िलहाल अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी का सीन ये है, अभी मैं एक गाजर ली है और ये खा रहा हूँ। और हमने ना था ये, और पानी चला गया, मोटर का तार लगा रखा है, पानी आ नहीं रहा, तो अभी आएगा ना दोबारा, फिर चलाएंगे। गाइस, फ़िलहाल का सीन ऐसा है, अभी हम जाएंगे कोसली, चाचा जी और मैं, चाचा जी का फ़ोन आया है तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ उनका। तो अभी हम उनको, चाचा जी को कुछ काम है, लाइसेंस वगैरह का काम है वहाँ पे तहसील में, तो अभी हम जाएंगे और वहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए। सो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं कोर्ट में और चाचा जी अपना काम करवा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, इधर भी वकीलों के रूम है और इधर भी वकीलों के रूम है, ठीक है? ये सभी, इनका नाम मेंशन है सभी के रूम के आगे, और ठीक है, और यहाँ पे भी सभी का ओके रिपोर्ट है यहाँ पे सभी, और ये टाइल वाइल लगा रखे हैं तो एकदम मस्त बना रखा। जो पहले वाला कोर्ट था वो बहुत ही पुराना और पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें वो डैमेज हो चुका है। अब नया बिल्डिंग बन चुका है आपके सामने, वो मैंने दिखा दिया, नई बिल्डिंग है ये। और ये देखो, फाइलें रखी हुई हैं इसमें, कुछ कुछ किसी किसी का पता नहीं क्या क्या दबा हुआ है फाइलों के अंदर। ये रैग वगैरह बना रखा है, ये चेयर है, और ये रूम का एंट्रेंस है यहाँ से, और ये कुछ मोहर वगैरह रखी हुई हैं। और चाचा जी अपना काम करवाने के लिए बाहर गए हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कुछ है काम तो लगा हुआ है, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की, मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग है, पूरा लाइन यहाँ पे यहाँ तक पूरा पार्किंग में लगे हुए हैं गाड़ियाँ बाइक। तो गाइस, यहाँ पे बैठने का अच्छा प्रोग्राम किया गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे बैठ सकते हैं। पूरा एकदम नया कैबिन बनाया गया है यहाँ पे, लाइसेंस वगैरह बाइक का गाड़ी का हो तो यहाँ पे पूरा अच्छे से तैयार किया गया है। तो गाइस, हमारा काम यहाँ से हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, चाचा जी मेरे आगे आगे चल रहे हैं और हम उसके पीछे पीछे चल रहे चाचा जी के, सुंदर व्यू। सो गाइस, ये अपनी बाइक खड़ी है, देख सकते हैं कोसली का डाकघर में हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम PLI भरे हैं, जिस चाचा जी की PLI है। सो गाइस, हमने PLI की बुक थी जो, वो इन अंकल जी को दे चुके हैं, अभी ये देख कर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हमारे यहाँ से भी काम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं सीधा अपने घर, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, एकदम मस्त बना रखा है ये, मैं आपको दिखाऊं यहाँ, ये देख सकते हैं, ये बाबा का दरबार है, यहाँ से ये एंट्री है, एंट्रेंस है यहाँ से, आवागमन है यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस, फिलहाल हम आ गए हैं बाज़ार में और हमारे पीछे जो दुकान दिख रही है ये खैराती की, यहाँ पे चाचा जी गए हैं कुछ सामान वामान लेने के लिए घर का, तो फिर यहाँ से सामान लेते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल हम आ गए हैं घर पर और अभी हमें लगी है भूख, तो चलिए खाना खाते हैं। फिलहाल खाना वाना हो गया अपना और अब हम निकालेंगे गाजर का जूस। तो हमारा सेटअप रेडी है, आप ये गाजर का जूस बन के रेडी हो चुका है और कुछ कम है अभी, ये थोड़ा सा और गाजर डाल के और फिर और जूस निकालेंगे, ठीक है गाइज? तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि अपना जूस कैसा बना। गाइज, फ़िलहाल हम आए हैं दोस्त के कुआं पर और वहाँ पे थोड़ा पशुओं के लिए हरा जो होता है वो काटना है, तो मैं अभी उसको काटूँगा, चलिए काटते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, जो ये गंडासा चला रहा हूं मैं, और इसका जो सही तरीका है वो ये नहीं है, ऐसे नहीं चलता ये, इसके आगे एक हत्था लगता है और उसको घुमाया जाता है, उसी को जितनी तेज़ घुमाओगे आप तो उतनी तेज़ ये चलेगा और ये कट जाएगा। यहाँ के बहुत ही हरियाली, पीछे पीछे एकदम मस्त नज़ारा है और मैं आपको सामने दिखाऊँ को कितनी मोटी मोटी प्याज है ना, देखो
ये देख सकते हो आप नीचे से लेके ऊपर तक के कितना बड़ा फूल प्याज, ये देखो सारी प्याजी प्याज हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी गाय एक ब्लैक वाली एक वाइट वाली, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऊँट होता है उसकी बेडरूम, उसका ऊँट का बेडरूम है यहाँ पे। और ये सारी मटर, मटर की खेती है सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मटर ले जाएंगे, फिर हम चलते हैं अपने घर पे, ओके गाइज। और यहाँ पे सारे प्याज, वो भी प्याज, ये भी प्याज, और ये है गाजर धोने की मशीन। इसको गाजर के जो फालतू के जो लफूसटे वगैरह होते हैं ना, वो इसके अंदर कट के और नीचे गिर जाते हैं ऑटोमेटिक। ये साफ़ कर दी गाजर को, ये पूरा सेटअप बना रखा है इन्होंने, ये पानी वानी एकदम ट्यूबल वगैरह, मस्त एकदम मस्त नज़ारा आप देख सकते हैं, गजब का नज़ारा। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, यहाँ अच्छी छाया रहती है, चूल्हा है, एकदम बढ़िया काम हो रखा है यहाँ पे। आज फिलहाल मैं यहीं पे खड़ा था और अब देख दिखाता हूँ मैं आपका, मेरा दोस्त मित्र सखा बंधु ये आ गया, आपको मैं दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आप, कुछ ना हुआ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ये अभी कोसली मार्केट से आया है और ये देखो मुँह छुपा रहा है। आज फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने घर पर, और कुएं को जो था ना वो उसको मैं पीछे छोड़ आया, ठीक है, उसको वहीं छोड़ के आ गया। वो पे बहुत ज़्यादा सामान था ना, खेत थे, मूली थे, ऊँट था, कुत्ता था, और गाजर थी, प्याज था, मटर थे, टमाटर थे, सारे कुछ वहीं छोड़ आया। इतनी सारी चीज़ को मैं कैसे लेके आऊँ, बताओ ना आप, बताओ कैसे लेके आ सकता हूँ इतनी सारी चीज़ों को। तो सारे बाइक पर तो आ नहीं सकते, इतना सारा खेत वगैरह जो भी था। तो फिलहाल मैं आ गया, और वो दोस्त आपको देखा ही था, तो वो भाग गया था, शर्मिला ज़्यादा है इसलिए उसने वो ऐसे ऐसे कर लिया था, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। और अभी बस इतना ही है कि अभी शाम के बज गए 5 और अब हम जाएंगे मंदिर में, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज मैं यहाँ से आया, आते के साथ है ना ये इस जीने के अंदर मैं, यहाँ मेरी बुरशट फंस गई और एकदम से बुरशट फट गई, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया ना मम्मी जी को, बहुत महंगी थी वो बुरशट यार। और मैं आपको दिखाऊँ कि बुरशट मेरी, ये देखो मैंने एकदम से बहुत, मतलब मेरी फेवरेट शर्ट थी ये, और ये फट चुकी है, ये देख सकते हो आप, मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, देख सकते हैं बीच में है ना, ये देख सकते हो एकदम। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बुरशर्ट मेरी फट चुकी है एकदम से, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यार, ये देखो कितनी ज़्यादा बुरशर्ट फट गई। मैं आपको दिखाऊँ, देखो दादाजी गेहूँ डाल रहे हैं हमारे दादाजी मोर के लिए, ये देख सकते हो आप मोर है ना, गजब का नज़ारा ये दादाजी की। गाइज फिलहाल एक प्रॉब्लम और हो चुकी है, अगर मैं बताऊं अपनी साइकिल है इसके अंदर पिंचर हो चुका है, और पहले बुरशट फट गई, अब ये पिंचर हो गया, सारे कबाड़ी आज ही होने हैं क्या। तो अभी हम जा रहे हैं और पिंचर लगवा के फिर आएंगे, ठीक है गाइज, अभी हम चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज फिलहाल अपना खाना पीना हो गया है, और मम्मी जी ने बनाया है दाल चूरमा, और हम अब खा के बिल्कुल रेडी हैं, एकदम मस्त था, एकदम घी में बिल्कुल चिच दाल चूरमा, एकदम देसी घी, मस्त प्रोग्राम। और अभी हम पियेंगे दूध और फिलहाल करेंगे एडिटिंग, सोते वक्त दूध पियेंगे, और उसके बाद हम सुबह उसको अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।